नमस्कार, मैं हूं रेखा पाल और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज। पूरे देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले अब 1000 से भी कम दर्ज हो रहे हैं, जिसके बाद देश में 2 साल बाद कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियां लगभग खत्म हो गई हैं। हालांकि फेस मास्क का इस्तेमाल करना अब भी जरूरी है। कोरोना के घटते मामलों के बीच कोरोना के एक्सी वेरियंट ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में कोविड-19 के नए वेरियंट का पहला केस मुंबई में मिला है। मुंबई में ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। राहत की बात यह है कि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि जिस मरीज के सैंपल में कोविड का नया एक्सी वेरिएंट मिला है वो एक महिला है जो साउथ अफ्रीका से शूटिंग के सिलसिले में मुंबई आई थी। वही महिला की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। महिला पेशे से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला ने वैक्सीन की दोनों खुराक ली हुई थी और उसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। WHO के मुताबिक नया एक्सी वेरिएंट पहली बार 19 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था और तब से सैकड़ों रिपोर्ट और पुष्टि की जा चुकी है। यह दो अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.1 और BA.2 का एक म्यूटेंट हाइब्रिड है और वैश्विक स्तर पर फैल रहे मामलों के लिए जिम्मेदार है। WHO ने कहा है कि नया म्यूटेंट ओमिक्रॉन का BA.2 सब वेरिएंट की तुलना में लगभग 10% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, जो किसी भी स्ट्रेन से ज्यादा संक्रमणीय हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्य SARS-CoV-2 वेरिएंट के नए वेरिएंट के जोखिमों की बारीकी से निगरानी और आकलन कर रहा है। इसे लेकर किसी तरह के अमल पर आने के बाद बताया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज।